नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्लेयर जेसन गिलेस्पी ने जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। जेसन गिलेस्पी ने कहा कि अगर बुमराह वर्ल्ड कप के लिए नहीं रहा तो ये बड़ा अब्सेंस होगा इंडिया टीम के लिए, क्योंकि बुमराह ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड में, और जो टीम अपना मेन बॉलर मिस करती है उस टीम पर बड़ा इफेक्ट हो जाता है और इंडिया ये डेफिनेटली उसे मिस करेगी। जसप्रीत बुमराह एक इमेंस बॉलर है, वो पिच को हार्ड हिट करता है, वो एक डिफरेंट स्टाइल बॉलर है, और जो भी फीडबैक मैंने लिया है सारे बैट्समैन से वर्ल्ड के, उन्होंने यही कहा है कि उसका बॉल जोर से हिट करता है बैट को। बैट्समैन का कहना है कि वो ज्यादा क्विकर है जितना स्पीड गन सजेस्ट करती है, और ऐसे बॉलर ये गोल्डस्ट होते हैं, और जो रिकॉर्ड उसका है जितने वो मैचेस खेला है वो क्वाइट इमेंस है, इसलिए उसका एब्सेंस बड़ा इफेक्ट डालेगा इंडिया टीम को। मैं होप करता हूँ कि वो जल्दी इंडिया टीम में आ जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे बेस्ट प्लेयर ये वर्ल्ड कप खेले, और बुमराह के आते ही इंडिया टीम की बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। नंबर टू गाइज, राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली के 500 गेम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। राहुल द्रविड़ ने कहा कि मेरे लिए जो ग्रेट बात है विराट कोहली की, कि कैसे वो एफर्ट डालता है और वर्क करता है अपने गेम के पीछे, और ये एक ग्रेट बात है कोच के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा यंग प्लेयर उसे देखते हैं और इंस्पायर होते हैं, और इतने मैचेस विराट कोहली इसलिए खेल पाया है क्योंकि उसने पीछे उसके काफी हार्डवर्क किया है, काफी ज्यादा सेक्रीफाइस उसने किए है अपने इस करियर में, और वो आज भी करता है। और लॉन्गेविटी तभी आती है जब आप काफी ज्यादा हार्डवर्क, डिसिप्लिन और एडेप्टेबिलिटी दिखाते हो, और यही बात रिफ्लेक्टेड होती है, इसलिए वो आज 500वां गेम खेल रहा है, और वो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग और फिट है, और जो वो एनर्जी गेम के पीछे लगा रहा है पिछले 10-12 सालों से वो ट्रूली फैंटास्टिक है, और ये बिल्कुल भी इजी बात नहीं है। और जिस तरह से विराट कोहली खुद को कंडक्ट करता है, कैरी करता है, प्रैक्टिस करता है और अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देता है, ये एक बड़ा इंस्पिरेशन है यंग प्लेयर के लिए जो ये सिस्टम में आते हैं। नंबर थ्री गाइज, रोहित शर्मा ने ईशान किशन को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि ईशान किशन ये एक टैलेंटेड प्लेयर है, और ये हमने देखा है उसके शॉर्ट करियर में, जितना भी वो इंडिया के लिए खेला है उसने 100 मारी है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, उसके पास गेम है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अच्छे से यूज करना, हमें उसे अपॉर्चुनिटी देनी होगी। वो एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, और मैंने उसके साथ क्लियर डिस्कशन किया है और उसे एक्सप्लेन किया है कि टीम मैनेजमेंट उससे क्या चाहती है, उसे हर मैच में फ्रीडम दिया जाएगा, उसके पास अपना गेम है, उसे फ्रीडम चाहिए और हम वो अपॉर्चुनिटी देंगे। उसने अपने फर्स्ट टेस्ट में काफी अच्छी कीपिंग की, जहां अश्विन और जडेजा के बॉल टर्न और बाउंस हो रहे थे, वही कुछ बॉल्स तो लो रहे थे, इसलिए मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ उसके विकेट कीपिंग स्किल से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे सिर्फ एक ही रन बनाते आया, क्योंकि हमें डिक्लेयर करना था, लेकिन आगे उसे ज्यादा बैटिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।